ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले के शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही इसे तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है
तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। और जो चाटा जाता है वह लेह्य है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ऊख आदि। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूतों भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारे कहे गए, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय तुलसीदास। हरि प्रिय नमोस्तुते।